अजमेर का बहुत संवेदनशील केस जो हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में, जहां खुलेआम पेट्रोल पंप पे 6 राउंड फायर किए गए थे, जिससे पहले रैंसम मांगा गया था नमन गर्ग जो गुजराती पेट्रोल पंप के ओनर हैं उनके द्वारा। उस केस में हमने 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया था जो अभी सेंट्रल जेल में हैं, परंतु इसका जो मास्टरमाइंड था, 2 जने, भूपेंद्र खरवा जो अभी पंजाब में हैं जेल में, और सुनील कुमार जो मलेशिया में हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं पर वो मलेशिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने क्योंकि ये पकड़े गए थे और इनकी सज़ा चल रही थी तो वापस से धमकाने के लिए, रैंसम लेने के लिए और उनको मज़ा चखाने के नियत से इन्होंने फिर से एक प्लान बनाया, जिसके अंदर फरवरी 1st वीक में नमन गर्ग को वापस टारगेट करने की कोशिश की गई और इस कारण से यहाँ पर 2 शूटर्स काली और कपिल को भेजा गया। तो इसको जो इनके प्लान थे, इसकी हमें आसूचना जैसे ही मिली, एसपी सर द्वारा टीम गठित की गई और इसके अंदर एक बहुत अच्छा हमने देखा कि 2 पुलिस थाने, 2 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 स्टेट्स, उन्होंने साथ मिलके इसके अंदर कार्यवाही की है और उनको बिल्कुल नाकामयाब कर दिया। जी, किनको गिरफ्तार किया मैम, 2 जने कौन हैं? 2 जने हैं, काली और कपिल। काली जो हैं, मनप्रीत है उनका नाम, एलियास मनप्रीत, इनको 5 तारीख को गिरफ्तार किया, और कपिल फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले, इनको 3 तारीख को गिरफ्तार किया। ये अजमेर रेकी के लिए आए थे, कुछ देर रुके थे और उसके बाद ये भीलवाड़ा चले गए थे। भीलवाड़ा में जगदीश, जिसको टाइगर भी बोला जाता है, वो इन सबको यहाँ पर मॉनिटर कर रहा था और बता रहा था। इनकी दोनों की भूमिका, ये भूपेंद्र खरवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे या नहीं, इसका आइडिया अभी अग्रिम अनुसंधान में लगेगा, परंतु ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, ये जगदीश जो टाइगर में भीलवाड़ा का बता रही हूँ आपको, उनके साथ ये टच में थे। एसके ने इसको बताया था, इसका मास्टरमाइंड है मलेशिया में, उसने बताया था कि यहाँ जाना है आपको अजमेर में, रेकी करनी है, उसको धमकाना है, इससे पैसे लेने और नहीं देने पर इसका मर्डर करना है। इस तरीके से कपिल और काली की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें आकर के, बहुत संवेदनशील केस था, अतः ये रेकी करना था, इनका मारना उद्देश्य था, जिसके अंदर भीलवाड़ा का कोई जगदीश टाइगर नाम का व्यक्ति है, उनके द्वारा इसका सहयोग किया गया था। अब हम इनसे अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा वैसे वैसे बताएंगे। और भी गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है, जैसे जैसे जिन जिन का रोल आएगा उनकी सबकी गिरफ्तारी। इन दोनों को पैसे दिए थे? हाँ बिल्कुल, पैसे देना बता रहे हैं कि हम जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे हमें पैसे मिलते हैं। कब आए थे ये रैकी करने के लिए? ये लगभग फरवरी से पहले ही आ गए थे, क्योंकि इनका 5 फरवरी को करने का इरादा था, तो उससे पहले एक बार ये रैकी करके गए थे। ये हरियाणा जेल में किस मामले में बंद थे? 31 जनवरी में आ गए। देखिए, ये 2-3 स्टेट की, जैसा सीओ साहब ने बताया कि 2 स्टेट्स और कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लग के इनके पीछे लग रही थी, तब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बात की कि ये इस तरह की रैकी करके वापस पंजाब जा रहे हैं, और उसके ऊपर पंजाब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और आर्म्स एक्ट में इनको अरेस्ट किया गया था। वहाँ उसकी फिर हमारे पास इंटेलिजेंस आई थी, उसकी पूछताछ के बाद हमें पता चला था कि इस तरह से ये यहाँ रैकी करके गए थे और इनका इरादा पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमका के मर्डर करने का भी था। खरवा ने ही कहा था, देखिए भूपेंद्र सिंह खरवा उस समय सेंट्रल जेल जो गुरदासपुर है उसी में बंद था, और उसके बारे में अनुसंधान किया जाना कि किस तरीके से उसने इनको कॉन्टैक्ट किया। बाकी एसके से इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ था, क्योंकि वो बाहर था, वो मलेशिया से ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको डायरेक्ट कहा था कि मलेशिया से उसने बोला कि ये 2 जने हैं, ये जाएंगे रैकी करने के लिए, आपको जगदीश और जो टाइगर नाम के व्यक्ति हैं इनको सपोर्ट करना है, इन दोनों को, इन सब ने मिलकर ये रैकी की थी।